हेलो दोस्तों, मैं माला शेट्टी जी किचन में आपका स्वागत करती हूँ। आज मैं बना रही हूँ करेला की भाजी बना रही हूँ, लेकिन दूसरे टाइप से जरा सा। तो भाजी को बनाने के लिए मैंने करेले को धो धा के सब करके काटने के लिए मैं ले लिया है। अब इसमें जाएगा थोड़ा मसाला। मसाला में देख लीजिए, मसाला में देखिएगा, ये मैंने किया है 1 टेबलस्पून, 1 टेबलस्पून मूंगफली। ये देखिए मूंगफली 1 टेबलस्पून लिया, ये 1 टीस्पून लिया है खसखस। तो इसको अब मैं थोड़ा सा ड्राई रोस्ट कर लूँगी। इसको ड्राई रोस्ट नहीं करूँगी, पोस्तदाना और थोड़ी सी सरसों को मैंने कूट लिया है, इसको ड्राई रोस्ट नहीं करना है, ठीक है। ये पकता रहे अपना, थोड़ा सा लाल हो जाए उसके बाद मैं आऊँगी। इसको मैं काट लूँगी करेले को, करेले को ज़रा फाइन चॉप्ड करना है। ये पतला ही काटना है, मोटा नहीं काटना है। ये इस तरह से गोल 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 पतला पतला, देखिए बहुत पतला पतला, जैसे तेल में ज़रा सा फ्राई हो जाए। इसके बाद मैं आ रही हूँ। ये देखिए, ये मूँगफली तो मैं ले ली हूँ, अब इतना ही मैं इसको पीस लूँगी। अब ये पोस्तों दाना को भी मैं पीस लूँगी, पोस्तों मतलब खसखस। और ये सरसों, इसको भी मैं ले लूँगी 1/2 टीस्पून तक। ये अब इसको पीस करके मैं आ रही हूँ। ये पीस करके मैं, ये देखिए हो गया है। अब मैं इसमें दूंगी नमक, स्वाद अनुसार नमक दे दिया मैंने, और 1 टेबलस्पून मैं इसमें दूंगी अभी नहीं, अभी पहले हल्दी पाउडर दे दूंगी। हल्दी पाउडर दे दिया, अब मिर्ची पाउडर दूंगी और 1 चम्मच बेसन। अच्छी तरह से कोट कर दूंगी इसके। अब मैं थोड़ा सा हाथ धो के आ रही हूँ। अब ये देखिए, मैंने तेल 2 चम्मच तेल डाल दिया है। अभी मैं इसको गैस को तेज कर दूंगी, जरा जब फ्राई होने तक मैं इसको अलट पलट करती रहूंगी। ये देखिए थोड़ा सा लाल लाल फ्राई हो गया है, थोड़ा सा उलट पलट के फ्राई करना है बस, और कुछ नहीं। ठीक है, थोड़ा उलट दीजिएगा बस, सारे बिया निकाल लीजिएगा। ये कोई काम का नहीं होता इसका, करेला का बिया
दे दूंगी। अपना स्वाद अनुसार दीजिएगा। थोड़ा सा नमक भी दे देंगे, इससे नमक तो नहीं पड़ा है ना, हल्का सा नमक बस। और इसको थोड़ा सा हल्का हाथों में फ्राई करना है बस। थोड़ा सा और फ्राई करके मैं आ रही हूँ। ये देखिए, ये मेरा कंप्लीट हो गया करेला भाजी। इसको आप कॉर्नफ्लोर से भी आप इसको इस तरह से, लेकिन मेरा बहुत कुरमुरा बना है, देखिए बहुत ही क्रिस्पी, बहुत ही कुरमुरा। ये देखिए करेला फ्राई, डिलीशियस फ्राई।